बड़वानी जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के कारण पुलिस प्रशासन की परेशानियां बढ़ने लगी है। कंटेनमेंट एरिया के बढ़ने से आसपास के एरिया पे भी सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाने वाला पुलिस बल कम पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा समिति के युवा आगे आकर स्वैच्छिक ड्यूटी कर रहे हैं। दरअसल शासन की गाइडलाइन अनुसार कोरोना पेशेंट के घर के बाहर आसपास के घरों को सील कर कंटेनमेंट एरिया बनाया जाता है, जिससे वहां से कोई आवाजाही न कर सके। जिले सहित बड़वानी मुख्यालय पर भी कोरोना के मामले बढ़ने के बाद कंटेनमेंट एरिया भी बढ़ गए हैं। अब पुलिस बल कम होने के कारण इन क्षेत्रों की सुरक्षा नहीं हो पा रही थी। परेशानी के चलते स्वयं सेवी आगे आए और कंटेनमेंट जोन के बाहर 9 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। देखिए, लगातार जो है बड़वानी नगर में और पूरे जिले में केसेस बढ़ रहे हैं। उस केसेस को देखते हुए SP सर ने काफ़ी गंभीरता से लिया है और SP सर के निर्देश से कि सभी कंटेनमेंट को चेक किया जाए। और क्योंकि अब बल जो है इतना नहीं है कि सभी कंटेनमेंट में लगाया जाए, तो उसके लिए निर्देश SP साहब के निर्देश के अनुसार हमने करीब कुछ स्वयंसेवी जो व्यक्ति हैं जो अपनी इच्छा से सेवा करना चाहते हैं, ड्यूटी देना चाहते हैं, उनको कोरोना सुरक्षा समिति के नाम से संगठित किया है। और जैसा कि सुकुलास पॉइंट है, यहाँ पे 4 जो युवा हैं वो अपनी सुरक्षा से सेवा दे रहे हैं, तो उनको कोरोना सुरक्षा समिति के तहत ड्यूटी में लगाया है। इसी प्रकार जो रुक्मणी नगर का इलाका है, वहाँ भी 4 जो है स्वयं से अपनी मर्जी से कोरोना सुरक्षा के योद्धा। कितने स्वयंसेवक हैं जो अपनी स्वेच्छा से कंटेनमेंट जोन की रखवाली करेंगे? अभी तो 4 युवा, 8 जो है टोटल 8 युवा जो है नौजवान आगे आए हैं और उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि सर, चूँकि कोरोना महामारी एक विश्वव्यापी महामारी और ये सेवा का सबसे अच्छा अवसर होता है सेवा करने का, तो उस सेवा भावना से वो प्रेरित ऐसे 8 लोगों ने अपने नाम जो है हमको दर्ज कराए हैं, तो उनको हमने ड्यूटी पे भी लगाया है और वही हम निरीक्षण भी कर रहे थे, तो ये लोग अभी ड्यूटी कर रहे हैं। बढ़िया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज़, बड़वानी।